हेलो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। और आज हम एक और नए HIV के टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या टैटू से HIV हो सकता है या नहीं। दोस्तों, टैटू की एक सुई बहुत से लोगों पे काम में ली जाती है, और ऐसा भी है कि HIV बाहरी वातावरण में आते ही एक या दो सेकंड में ख़त्म हो जाता है। पर उसके साथ एक कंडीशन यह है कि दोस्तों, जब तक उसको गीली सरफेस मिली रहती है तब तक HIV वायरस ड्राई नहीं होता, और जब तक वो ड्राई नहीं होता है तब तक ख़त्म नहीं होता। तो पॉसिबिलिटी है टैटू सुई से HIV होने की 100 में से 10%। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि अकेला वायरस जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंटीबॉडी उसे ख़त्म कर देती है, ऐसा भी होता है। पर दोस्तों, उस पॉसिबिलिटी के बारे में, हर उस पॉसिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे जिससे HIV हो सकता है। तो दोस्तों, 100 में से 10% मान के चलो कि टैटू की सुई से HIV होने के चांसेज हैं। जब HIV पॉजिटिव हैं वो, जब आप टैटू गुदवा रहे हो और आपसे पहले कोई HIV पॉजिटिव ने टैटू गुदवाया है, तो उसका ब्लड कंपोनेंट, उस सुई में रह जाता है। और उसके तुरंत बाद, जैसे तुरंत ही आप गुदवा रहे हो, तो आपको 100 में से 10% HIV होने के चांसेस रहते हैं। तब आपकी किस्मत बहुत ख़राब हो कि जस्ट आपसे पहले कोई आया है, वो HIV पॉजिटिव पेशेंट है, और आप तुरंत आए हो और आपके एंटीबॉडी उस वायरस को ख़त्म नहीं कर पाई, तो 100 में से 10% आपको HIV हो सकता है। यदि HIV वायरस अंदर चला भी जाए उसके बाद 100 में से 10, वरना तो HIV वायरस उसमें ख़त्म हो जाता है। पर कई बार अंदर की सरफेस गीली रहती है और उस पर HIV वायरस जीवित रहता है। तो दोस्तों, टैटू गुदवाना, उसके लिए हम इतना कह सकते हैं कि ना नहीं किया जा सकता कि टैटूस गुदवाते वक्त HIV हो सकता है या नहीं। उसकी पॉसिबिलिटी हाँ या ना में जवाब दिया जाए तो हाँ ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।